हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको हिडन कैसल रिसॉर्ट लेकर जाने वाली हूं, जो कि हैदराबाद में है। ये हैदराबाद में हमारे घर से लगभग 2 घंटे के रास्ते पे था और ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, 24 नवंबर का वीडियो है। उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी तो हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हिडन कैसल रिसॉर्ट गए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, साथ में मिलके इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। ये रिसॉर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बाकी सब रिसॉर्ट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट यहाँ का व्यू था, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में बना हुआ था। ये थोड़ा सा मैंने रास्ते का वीडियो लिया है। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यहाँ के दोनों तरफ पेड़ पौधे थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ये देख सकते हैं आप। जब हम लोग रिसॉर्ट पहुँचने लगे, ये वहाँ का नज़ारा है। और फिर हम लोग रिसॉर्ट पहुंच गए। ये देखिए वहां का ये गेट है, कितना बड़ा। और ये वहां की पार्किंग है, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और ये वहां का रिसेप्शन एरिया है, ये देखिए यहाँ पे। यहाँ से हम लोग आगे की तरफ जाने लगे, गाड़ी पार्क करने के बाद वॉकिंग करने लगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली थी। ये पेड़ पौधे और फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची आगे आगे जा रहे थे, और ये देखिए ये लोग वहाँ से एंट्री करने लगे और मैं उन लोगों का वीडियो बनाने लग गई। ये बहुत ही अलग तरह से बनाया गया रिसॉर्ट था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी और कंट्री में आ गए हो। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों। और इस पानी में मछलियां भी तैर रही थी, और उसके बाद हम लोग आगे जाने लग गए। ये देखिए और ये देखिए उसके दूसरी तरफ पानी है, और यहाँ पे ये मेन एंट्री है। देखिए लग रहा है जैसे कितना रॉयल प्लेस है। जैसा कि इसका नाम है कैसल, ये बिल्कुल कैसल जैसा ही लगता था। ये देखिए बहुत ही अद्भुत है ये। और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ठंड थी, तो हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय भी किए।
और बीच में कुछ स्टैच्यूज भी रखे हुए थे, ये देखिए। और उसके बाद हम यहाँ से अंदर म्यूजियम की तरफ जाने लगे जो कि रिसॉर्ट में ही था, ये देखिए म्यूजियम। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग यूनिक चीजें रखी हुई थी। देखिए कितनी तरह की चीजें हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के कॉइन्स थे, बहुत ही ज्यादा पुरानी चीजें थी यहाँ पे, अलग अलग तरह के कीज रखे हुए थे। देखिए चरखा, ये वॉचेस थे एंटीक, ये क्लॉक्स अलग अलग तरह के, है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा अच्छा सब कुछ। और ये देखिए कैमरा, कैमरा भी अलग अलग तरह के थे यहाँ पर। और ये थिनेस्ट साड़ी था, देखिए बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें है ना, टाइपराइटर्स, देखिए मैजिक मिरर है। और पेपर करेंसी सब भी है, ये देखिए माइक्रोस्कोप, म्यूजियम में बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिली हमें। ये देखिए और ये जो शंख रखे हुए हैं इसमें समुद्र की लहरों की आवाज आती थी। और ये फ्लावर स्टैंड देखिए दोस्तों, कितने अलग अलग तरह के हैं ना। और म्यूजियम देखने के बाद फिर हम वहां से बाहर निकले और दूसरी तरफ जाने लगे, रिसॉर्ट के दूसरी तरफ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक्टिविटीज करने के लिए बहुत कुछ था इसलिए हम लोग इस तरफ आ गए। यहाँ पे बैडमिंटन खेलने का भी था, वॉलीबॉल खेलने का भी था और भी बहुत कुछ था। ये देखिए दोस्तों यहाँ से ऊपर की तरफ जाना था और यहीं पे स्विमिंग पूल भी था और इस तरफ मैजिक शो हो रहा था। हम लोग स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगे अपनी बेटी को दिखाने के लिए पर हमने स्विमिंग नहीं किया। ये देखिए है ना बेहद खूबसूरत। और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ पर मैजिक शो हो रहा था, ये देखिए ये मैजिक शो दिखा रहे थे ये भैया। तो हम लोग यहाँ पर आकर के एंजॉय करने लगे और यहाँ पर भी मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इन्होंने एक कुछ गायब कर दिया, ये देखिए
किस तरह से ये मैजिक कर रहे थे। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लग गई। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। ये देखिए, शुरू शुरू में तो मैं डर रही थी, फिर बाद में मैं ऊपर जाने लग गई स्पीड में और मुझे अच्छा लगने लग गया। मेरी बच्ची बार बार बोल रही थी, और ऊपर जाओ मम्मा, और ऊपर जाओ मम्मा, जल्दी जाओ, फास्ट फास्ट ऐसे कर रही थी। ये देखिए, ऊपर जा करके मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और ये वाला स्टंट मैं नहीं की क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मन तो कर रहा था करने का, पर मुझे लगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, इसलिए मैंने नहीं किया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से नीचे चली गई और ये देखिए, मैं फिर यहाँ पर आ गई। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करने का था तो यहाँ पर आकर मैं फिर करने लग गई। आप देखेंगे आगे वीडियो में, ये देखिए। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद स्लाइड करके पानी में आना था तो हमने ये एक्टिविटी नहीं किया। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, ये देखिए। और ये रिंग्स जैसा बना हुआ था। उसके बाद हम लोग आर्चरी वाला एक्टिविटी करने लग गए, ये देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लगा इसमें मुझे, ये देखिए। और मैं ट्राई करने लग गई कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगे, पर लग नहीं रहे थे। और उसके बाद मेरी बेटी भी ट्राई करने लग गई, उसको भी मज़ा आ रहा था ये सब करने में, ये देखिए। तो उसको उसके पापा सिखाने लगे। और फिर उसके बाद ये देखिए, मैं ऊपर इस तरह से जाने लग गई, स्टंट करने लग गई। ये थोड़ा सा मुझे इसमें डर लग रहा था, वैसे ऊपर से सपोर्ट था और बेल्ट भी लगा हुआ था तो ज़्यादा डरने की बात नहीं थी। और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, ये देखिए। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से ये ट्रिप अपना हमारा एंजॉय किया, ये देखिए। मैं धीरे धीरे कर रही थी, बहुत डर भी लग रहा था मुझे। और फिर उसके बाद हम लोग फिर से आगे की तरफ जाने लग गए और यहाँ पे अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ थे, ये देखिए। ये सब हमने नहीं किया यहाँ पर। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ बहुत बर्ड्स था जो यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, ये देखिए। अलग अलग तरह के हैंस थे। यहाँ पर डक्स भी थे जो पानी में तैर रहे थे, ये देखिए। और फिर उसके बाद मैंने एक बर्ड का आवाज भी रिकॉर्ड किया, आप देखिए। और फिर उसके बाद हम लोग फिर दूसरी तरफ जाने लग गए रिसॉर्ट घूमने के लिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वापस म्यूजियम वाले रास्ते की तरफ आने लगे हम लोग, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था और हम लोगों को लंच के लिए जाना था इसी तरफ से होकर के।
यहाँ पर हम लोग लंच करने के लिए आ गए और फिर लंच करने के बाद हम लोग फिर वापस आने लगे और वहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया। वहाँ पे पानी था बहुत ही ज़्यादा, अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर के। ये देखिए और यहाँ पे लोटस के फ्लावर्स भी थे, आप देख सकते हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फ्रॉग कैसा लग रहा है पानी में, किस तरह से कर रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा ये वीलॉग जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।